आयो लाल सबरी चो सिंधी साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे इस अकादमी के कार्याध्यक्ष श्री महेश सुखरमानी जी, दादा घनश्यामदास कुकरेजा जी, दादा लद्दाराम नागवानी जी, वीरेंद्र कुकरेजा जी, डॉक्टर मिलिंद माने जी, आज के सत्कार मूर्ति श्री डीपी लालवानी जी, हमारे विधानसभा में सहयोगी और उल्लासनगर के एमएलए श्री कुमार ऐलानी जी, डॉक्टर राम जवारानी जी, डॉक्टर विंके रघुवानी जी, श्री राजेश बटवानी जी, श्रीमती मंजू कुंगवानी जी, डिम्पी बजाज, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जय झूलेलाल। मुहिंजे तमाम सिंधी भारवान बहन रुन के जय झूलेलाल। जय कौम हिंदू धर्म बचायन जे लाए पैंजी जन्मभूमि छड़ी, अज राम मंदिर जे निर्माण मा तवाजे सुख जो मा अंदाजो लगाए सता। थोड़े ठीक से प्रैक्टिस करवा दे तो अगली बार पूरा सिंधी में भाषण दे। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे सिंधी अकेडमी की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और विशेष रूप से हमारे सामने जिसका मंचन होने वाला है इस नाटिका की, इस कार्यक्रम की जो थीम है वो हमारी विरासत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी विरासत का जितना महत्व हमारे सिंधी समाज को है वो शायद ही और किसी को होगा, क्योंकि जिस प्रकार की विभीषिकाओं को हमारे सिंधी समाज ने झेला है, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद उसी के कारण आज उस विरासत को, उस परंपरा को, उस संस्कृति को, उस भाषा को जीवित रखने का जज्बा ये हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सिंधु संस्कृति है ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक संस्कृति मानी जाती है और दुनिया की कई पुरानी संस्कृतियां समाप्त हो गई, लेकिन हमारी सिंधु संस्कृति ये निरंतर अविरलता से चलती रही है, फलती फूलती रही है। और आज भी हम देखते हैं कि जब आज के जो सारे विकसित देश या जिसको हम पश्चिमी दुनिया कहते हैं, ये पश्चिमी दुनिया जिस समय स्टोन एज में थी उस समय भी हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में पूरा 100% नागरी विकास ये हमको दिखाई पड़ता है, पूरे सुनियोजित शहर हमको दिखाई पड़ते हैं और एक पूरी फली फूली संस्कृति ये हमको दिखाई पड़ती है जहां पर आर्ट है, कल्चर है, जहां पर अलग अलग प्रकार की विधाएं है और एक ही चीज वहां दिखाई नहीं देती। और वो चीज ये है कि इस पूरे उत्खनन में कहीं पर भी अस्त्रों शस्त्र नहीं दिखाई दिए, तो एक प्रकार से शांति के साथ रहने वाले और बहुत ही अच्छी संस्कृति को संजोने वाले ऐसे हमारे सिंधी समाज के पूर्वज और उन्हीं की विरासत को लेकर हम लोग आज आगे चलते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति है उसको एक प्रकार से जीवित रखने का काम ये बरसों तक
हमारी सिंधु संस्कृति ने किया, इसीलिए आज जब सिंधी साहित्य अकादमी की ओर से हम लोग हमारी अगली पीढ़ी को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम एक बहुत ही महान परंपरा के लोग हैं। भले ही इतिहास ने हमारे साथ अन्याय किया और पार्टीशन के कारण हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके जो परंपरा हमने उससे पहले कई शतकों तक निभाई है, उस परंपरा को हम भूल नहीं सकते। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने ये भी देखा कि ये विभाजन की विभीषिकाओं को झेलते हुए भी समाज हमारे महाराष्ट्र के या देश के कई शहरों में पहुंचा। जो जहां पहुंच पाया वो वहां बसा, लेकिन वहां पर बसने के बाद अपने मेहनत के भरोसे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे समाज वापस खड़ा हुआ और आज देश में एक प्रमुख समाज के रूप में सिंधी समाज ने जो विकास किया है, जिस प्रकार से उद्योग में, व्यापार में और पिछले कुछ दशकों में अलग अलग प्रकार से हमारे प्रोफेशंस में भी जिस प्रकार से सिंधी समाज के हमारे बच्चों ने एक अपना नाम कमाया है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल मेहनत के भरोसे ये समाज आगे बढ़ा है और इतनी सारी परेशानियों को झेलकर भी आज पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ हमारा सिंधी समाज खड़ा है। इसलिए मैं समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि सिंधी समाज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिंधी समाज जिस शहर में पहुंचा, जिस राज्य में पहुंचा, उस शहर में, उस राज्य में वहां की जो संस्कृति थी, वहां की जो परंपराएं थी, उसमें हमारा सिंधी समाज ऐसे घुल मिल गया मानो दूध में जैसे शक्कर मिलती हो और दूध मीठा हो जाता हो, उसी प्रकार से हमारे सिंधी समाज ने मिठास बढ़ाने का काम ये वहां वहां किया। लेकिन ये सब करते हुए अपने स्वत्व को कभी भी हमारा समाज नहीं भूला, अपने सत्व को हमारे समाज ने हमेशा याद रखा। और मैं ये भी मानता हूं कि जब तक एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी भाषा नहीं सिखाएगी, जब तक अपनी परंपराएं नहीं बताएंगी, जब तक अपने स्वाभिमान की जो कथाएं हैं वो नहीं सुनाएगी, तब तक नई पीढ़ी में अपने समाज के प्रति, अपनी भाषा के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन उनके साथ बातचीत और व्यवहार ये सिंधी में ही कीजिए, तभी हमारी पीढ़ी अपनी भाषा को ठीक से संजो पाएगी। आज हमारे विक्की जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। निश्चित रूप से हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं, हमारे सिंधी समाज के नागरिकता का विषय हो या फिर जहां पर हम लोग बसे वहां पर हमको मालकी हक का पट्टा मिले, इसमें कई निर्णय लिए हैं। लेकिन अभी भी मेरे ध्यान में आता है कि कुछ शहरों में अभी भी प्रॉब्लम्स है, इसलिए इन निर्णयों में और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नागपुर में तो शायद हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बाकी भी शहरों में ये काम अच्छे तरीके से हो, इस दृष्टि से निश्चित ही इन निर्णयों में जो परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, विक्की जी, हम निश्चित रूप से उसको आने वाले 15-20 दिनों में बैठक दूंगा और जो अभी अड़चनें सामने आई है उन अड़चनों को निश्चित रूप से हम लोग दूर करेंगे। दादा घनश्यामदास जी ने जो हमारे सिंधु आर्ट गैलरी की बात की थी, तो उसकी वैसे तो सारी प्रॉब्लम्स हमने अभी खत्म कर दिए, जगह की थी, रिजर्वेशन की थी, सारी अभी 140 करोड़ का उसका प्रपोजल ये सरकार के पास आया हुआ है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसको निश्चित रूप से हम जो भी आवश्यक निधि है वो देंगे और इस सिंधु आर्ट गैलरी का निर्माण ये हम लोग नागपुर में करेंगे, ताकि ये जो हमारी बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है, उस परंपरा को हम हमारे सभी, केवल सिंधी समाज नहीं तो हमारे सभी समाजों की पीढ़ियों तक पहुंचा पाए, इसलिए उसका भी काम निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और साथ में हमारे महेश भाई बहुत अच्छा इस साहित्य अकादमी का काम कर रहे हैं
और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जल्दी ही आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी हम लोग देंगे। जैसे हमारे लड्डा राम जी ने मुझे पिछले समय भी याद दिलाया था लड्डा राम जी, लेकिन किसी कारण से वो रह गया, लेकिन अब उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे और हमारे सिंधी समाज को एक राज्य मंत्री दर्जा निश्चित रूप से मिलेगा, ये विश्वास मैं आज के इस मौके पर देता हूँ। सच बात तो यह है कि ये सारा हमारा जो समाज है ये बहुत राष्ट्राभिमानी समाज है, बहुत राष्ट्रप्रेमी समाज है और हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है। और जैसा अभी सब लोग कह रहे थे कि अभी राम जी का मंदिर बना तो पूरे देश में धूमधाम के साथ कार्यक्रम हुए, देश में बहुत लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की, लेकिन जहां जहां सिंधी समाज की बस्तियां है वहां का उत्साह देश में सबसे ज्यादा था। तो मैं ऐसा मानता हूं राम जी को तो उनका मंदिर मिल गया, उनकी अयोध्या मिल गई, हमको अभी तक सिंध नहीं मिला। तो हमारी लड़ाई तो तब तक जारी रहेगी जब तक भारत में सिंध वापस नहीं आता, जो हमारा है वो लड़ाई हम करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बहुत अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल।